क्योंकि ये है पहाड़ी रास्ता, तो कर्व इसमें बहुत ज्यादा है, मोड़ ज्यादा आते हैं, सिंगल रोड है, तो उसकी वजह से ये सारी बसें लगी हुई है। आप देखिए बहुत बड़ा इंटरनेशनल ये बस अड्डा है, और तो कई लोगों की जानें उसमें गई हैं। वो इलाका यही है, और मकान कैसी जगहों पे यहाँ बने हैं, ऊपर देखिए वो देखिए। तो यह है सोंगटोंग ब्रिज। तप यात्रा को करने का मतलब ये जुनून कहाँ से है आपके? और तंगलिंग गांव है इस साइड को, यहाँ है जो दोस्तों मैं आपको गाइड कर दूं कुछ हाँ। कि अगर आप किन्नर कैलाश यात्रा के लिए आ रहे हो, अलावा अगर आप प्राइवेसी चाहते हो तो कौन ये वाले किन्नौर की टप बता रहे हैं? बता रहे हैं टप, अब इसे देख। उससे भी टप यात्रा है किन्नौर की यात्रा। मौसम खराब है, मौसम इसीलिए नहीं भेजे। हम तो किन्नर कैलाश कमेटी है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से हैं। तो अभी शाम के बज चुके हैं 9, और जैसा कि आप देख सकते हैं मुकेश भाई भी पहुंच चुके हैं ड्यूटी से, और सब बढ़िया? अरे बढ़िया सर, बढ़िया। तो आज सफर हम शुरू करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? शुरू कर रहे हैं हम कि आज दिल्ली से हम लोग सफर शुरू करने वाले हैं, कहाँ के लिए? फाइनली बताता हूँ आपको, किन्नौर कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए, ठीक, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। और जो है शाम को गाड़ी जाती है वहाँ कश्मीरी गेट ISBT बस स्टॉप से गाड़ी जाती है 8:15 बजे सीधे रिकांगपियो, लेकिन हम लोग जा रहे हैं अभी 9 बजे, तो पहुँचेंगे वहाँ पे 10 बजे के आसपास। तो सीधे अब जो है हम लोग पकड़ेंगे कोई दूसरी बस, मतलब और भी ऑप्शन होते हैं चेंज करने के, वैसे डायरेक्ट बस एक ही जाती है डेली 8:15 बजे। तब यात्रा जो है ना 1 अगस्त से शुरू हो चुकी है, और जो है 26 अगस्त को लास्ट ये रहेगा मतलब यात्रा का। तो रजिस्ट्रेशन इसके शुरू हो चुके हैं 1 तारीख से। तो ये जो बुकिंग होती है ना, रजिस्ट्रेशन जो होता है स्लॉट में होता है, जैसे 5 दिन का पहले होती है बुकिंग, अगले 5 दिन का होता है, उसके बाद अगले 5 दिन का होता है, ऐसे मतलब एक साथ में इसकी बुकिंग होती नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन हम लोग करवा चुके हैं, और इसमें एक चीज़ और होता है, मेडिकल भी करवाना पड़ता है। अगर जैसे हम लोग ने तो अभी मेडिकल करवाया नहीं, अगर आप लोग किन्नौर कैलाश की यात्रा में आना चाहते हैं ना, तो आप अपने घर से मेडिकल करवा के आ सकते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आप लोग मेडिकल करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग करवाएंगे वहीं पहुंच के मेडिकल। और तो ये यात्रा हम शुरू करते हैं, अभी चलते हैं, तैयार हम लोग हो चुके हैं, ठीक। और मुकेश भाई भी ड्यूटी से आ चुके हैं, करते हैं फिर यात्रा शुरू। और कितना हो गया टाइम? 10:30। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ISBT बस स्टॉप पे, वहां से मेट्रो में आए। तो टाइम कितना लगा? आधा घंटा लगा हमको, कितना? हमें लगा 40 मिनट तक रूम पे, वहां से 40 मिनट यहां पहुंचने में लगे। तो ISBT कश्मीरी गेट ISBT के अंदर हम लोग घुस चुके हैं, और हिमाचल की बस हमें पकड़नी है रिकांगपियो की। पहले पता करते हैं रिकांगपियो की जा रही है, अगर नहीं जा रही है तो या तो चंडीगढ़ वाले में बैठते हैं, फिर या तो शिमला वाले में। ये सारी बसें लगी हुई है, आप देखिए बहुत बड़ा इंटरनेशनल ये बस अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, और चंडीगढ़ के लिए तो जा रही कंट्री, तो हम लोग शायद चंडीगढ़ वाली बस में बैठना पड़ेगा। बस हमें मिल चुकी है, चंडीगढ़ वाली बस में हम लोग बैठेंगे, तो अंदर ये वाली गाड़ी है, ठीक। तो वहाँ से हिमाचल के लिए बस फिर हम लोग पकड़ेंगे। तो फिलहाल बैठते हैं, फिर खाना वाना तो हम लोग खा चुके हैं। टाइमिंग तो हमने पता नहीं किया, कितने बजे जाती है गाड़ी? 5 मिनट बाद तो बोल ही रहा था। 5 मिनट बाद था। यहाँ से रिकांगपियो की जो दूरी है लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है, लगभग मतलब, ठीक। चंडीगढ़ की दूरी है 280 किलोमीटर, और टाइम लगेगा 5.5-6 घंटे लगभग, तो सुबह के टाइम पे हम लोग पहुंचेंगे, ठीक। तो मिलते हैं आपसे बात थोड़ी देर। तो दोस्तों अभी टाइम जो है सुबह के बज चुके हैं 4, हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ बस अड्डा 17। तो यहां से अब पकड़नी है बस शिमला के लिए, या रामपुर हिमाचल प्रदेश के लिए, या तो सीधे रिकांगपियो के लिए। हमें शिमला के लिए गाड़ी मिलेगी कहाँ से? Sector 43 बस अड्डा चंडीगढ़ का, तो वहाँ के लिए हम लोग गाड़ी पकड़ रहे हैं, यहाँ से सीधे वहां पे जाएंगे, फिर वहां से शिमला के लिए बस पकड़ेंगे, ठीक। तो
तो फाइनली हमें बस मिल चुकी है रिकांगपिओ के लिए। पहले हम लोग ढूंढ रहे थे शिमला के लिए, लेकिन अब फाइनली रिकांगपिओ के लिए बस मिल चुकी है। 750 रुपये यहाँ से किराया है रिकांगपिओ का, 300 रुपया दिल्ली से चंडीगढ़ तक का दिया हमने एक पर पर्सन, मतलब आप मान के चलिए। तो बैठते हैं हम लोग। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शिमला में, शिमला बस स्टॉप के अंदर। तो यहाँ पे आधे घंटे का ब्रेक है। हम लोग चंडीगढ़ से चले थे कितने बजे, 5 बजे। तो अभी टाइम जो है 8:30 हो चुके हैं, 3.5 घंटे हो चुके हैं, 3 से 4 घंटे आप मान के चलो। तो अब जो है यहाँ से रिकांगपिओ की जो दूरी है वो है 257 किलोमीटर। तो 257 किलोमीटर को तय करने में टाइम जो है 7 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये है पहाड़ी रास्ता, तो कर्व इसमें बहुत ज़्यादा है, मोड़ ज़्यादा आते हैं, सिंगल रोड है, तो उसकी वजह से टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग जाएगा। मतलब हम शाम को पहुँचेंगे कब, 7, 7:30 या 8 बजे के आसपास, या 6, 7 बजे, वहीं जाके पता चलेगा। तो कंडक्टर से हमने बात की तो वो बोल रहे थे शाम को आप लोग पहुँचोगे 7 बजे के आसपास। 9 बजे गाड़ी चलेगी यहाँ से। तो मैंने सोचा था आज पूरा ब्लॉग बनाऊँगा किन्नौर कैलाश यात्रा तक का, लेकिन अब जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि रिकांगपिओ तक ये ब्लॉग बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर रात हो जाएगी और तंगलिंग गांव में पहुंच के शायद ब्लॉग इंडे करना पड़ेगा, देखेंगे भी जैसा भी होगा। तो यहाँ पे अभी मैं आ चुका हूँ, एक पराठा ले लेता हूँ। तो मुकेश भाई सुबह खा चुके हैं खाना, सुबह मैंने खाया नहीं था तो अभी खा लेता हूँ पराठे। ज्यादा हैवी खाना तो मैं खाऊंगा नहीं, एक पराठा काफी है अभी। ठीक, खाने में है राजमा, रायता, पनीर की सब्जी, मिक्स सब्जी, चावल, सैलेड, तो ये है खाना। और मुकेश भाई खाने लग गए हैं यहाँ पे, यहाँ से रामपुर है 50 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लंच कर चुके हैं, गाड़ी रुकी थी, ये खाना वाना खा चुके हैं, बढ़िया धूप आ चुकी है, ये देखिए आज कई दिनों के बाद ये धूप आ रही है। तो दोस्तों अभी टाइम जो है 2:30 बज चुके हैं और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रामपुर में, रामपुर बस अड्डे पे। कितनी तगड़ी नदी आई है ये। हाल ही में कुछ दिन पहले रामपुर के एरिया में एक दो बार बादल भी फटा है, तो कई लोगों की डेथ उसमें हुई थी, तो वही रामपुर ये है आज। लेकिन आज देखिए आप धूप कितनी अच्छी धूप आ चुकी है, लेकिन इस धूप में गर्मी काफी ज्यादा है, काफी हीट हो रही है। तो कई लोगों की जानें उसमें गई हैं, वो इलाका यही है रामपुर का, रामपुर में बादल फटा था 1 या 2 जगह। और ये धूप भी काफी दिनों के बाद आई है, मौसम भी एकदम साफ हो चुका है, हल्के हल्के बादल लगे हैं और देखिए धूप बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हमने सोचा था ठंड होगी रास्ते में, लेकिन गर्मी की वजह से हालत खराब हो रही है, मतलब धूप ऐसी ही बने रहे, बारिश ना आए। धूप हम लोग झेल लेंगे, लेकिन बारिश तो झेल सकते हैं, लेकिन बारिश की वजह से जो खतरे पैदा हो रहे हैं ना, तो शायद झेल नहीं पाएंगे, इसलिए बारिश ना हो धूप में हम लोग ट्रैक कर लेंगे। अब यहाँ से शायद रिकांगपिओ 2 घंटे के आसपास बचा हुआ है, 2 या 2.5 घंटा शायद, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। और मकान कैसी जगहों पे यहाँ बने हैं, ऊपर देखिए, वो देखिए जो मकान बनाए गए हैं ना एकदम टॉप में, ये तो गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, चलते हैं।
तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं रिकांगपियो। रिकांगपियो से जो है ये सामने जो दिख रहा है ना आपको, यह है सोंगटोंग ब्रिज। तो कभी भी अगर आप किन्नौर कैलाश की यात्रा में आते हैं तो रिकांगपियो की बस में अगर आप आते हैं सीधे यहाँ पे, वैसे रिकांगपियो वाली बस ही आती है यहाँ पे, तो यह है सोंगटोंग ब्रिज। सामने उतर के ऊपर की ओर ये जाती है रोड। तो कल दिल्ली से हम लोग बैठे थे 10-10:30 के बीच में और आज पहुंचे हैं 6:30 के आसपास। कल रात में बैठे थे 10:30 के आसपास और बारिश नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, बारिश नहीं है आज। अच्छा मौसम है, हवा चल रही है, बादल लगे हैं हल्के हल्के। और यह गेट यहाँ से शुरू होता है, आगे हम लोग पहुँचेंगे अब तंगलिंग विलेज, तंगलिंग गांव। वहाँ पे हमने मेडिकल करवाना है, रजिस्ट्रेशन तो हम करवा के लाए हैं, कल का रजिस्ट्रेशन है हमारा, तो मेडिकल करवाना है। लेकिन मेडिकल के लिए हमें कल तक का वेट करना पड़ेगा। कल चेकअप करेंगे 8 या 9 के बाद से, क्योंकि वो सुबह आते नहीं है। तो कल सुबह 2-3 आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जैसे मेडिकल होगा उसके बाद हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। तो फिलहाल पहुँचते हैं तंगलिंग विलेज और यह सतलुज नदी, भयंकर नदी आई है। हालांकि आज बारिश नहीं आई तो बहुत अच्छे से हमारा सफ़र हुआ यहाँ तक का। और तो मुकेश भाई से जानते हैं कैसा लग रहा है यहाँ पे, बताइए। बढ़िया लग रहा है, देखो यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आगे बताएंगे धीरे धीरे। तो जब भी आप आएंगे किन्नौर कैलाश की यात्रा में तो रिकांगपियो वाली बस में बैठेंगे। तो जब रिकांगपियो हम लोग पहुँचने वाले होते हैं उससे पहले सोंगटोंग ब्रिज आता है। और हमारे साथ एक और यहाँ पे जुड़ चुके हैं एमपी से। कितने लोग आए हैं? सिंगल सोलो ट्रैवलिंग। आपका शुभ नाम? सूर्यांश परिहार। सूर्या परिहार? सूर्यांश परिहार। सूर्यांश परिहार, परिहार तो फर्स्ट टाइम आप आ रहे होंगे आज। अच्छा, तो ये एक टफ यात्रा है, ये तो आपको पता है। टफ यात्रा को करने का मतलब ये जुनून कहाँ से है आपके, मतलब कैसे आपने सोचा, कैसे आइडिया आया यार जाता हूँ वहाँ पे इस टाइप से? भगवान। अच्छा, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। चलो तो दोस्तों अब धीरे धीरे से हम लोग चल रहे हैं। अभी फिलहाल तो 1.5 किलोमीटर पैदल जाना है, चलते हैं फिर। पूरा आप नज़ारा आप देखिए, शानदार नज़ारा है। ये देखिए, ये दो लोग अभी है मेरे साथ, मुकेश भाई और सूर्यांश भाई। ये देखिए ऊपर कैसे जगहों में मकान बने हैं जंगल के बीच में, और दूसरा एकदम पहाड़ 90 डिग्री पे है और उसी पहाड़ के बीच में ये मकान बने हुए हैं आप देखिए। लेकिन शानदार लग रहा है, आज बारिश नहीं आना तो अच्छा, मतलब हल्की हल्की हवा चल रही है, ऊपर बादल लगे हैं, आसमान भी थोड़ा खाली खाली टाइप का, तो अच्छा लग रहा है माहौल। और ये देखिए, और ये नदी आप देखिए, भयंकर नदी आई है यहाँ से। और तंगलिंग गांव है इस साइड को, यहाँ है जो पहाड़ी दिख रही है ना इसके नीचे। एक खबर मिली है कि आज यात्रा नहीं होगी, आज वैसे भी होगी नहीं शाम के टाइम पे। आज मतलब बारिश वहाँ पे हुई थी ऊपर, जहाँ पे यात्रा जो ट्रैक है वहाँ पे पानी पड़ गया था, तो जिसकी वजह से यात्रा जो बंद कर दी है। तो 7 तारीख को जिनका रजिस्ट्रेशन था वो 8 तारीख को जाएंगे। तो अभी भाई लोग मिले हैं हरियाणा और पंजाब से। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रमन कुमार। रमन कुमार, और आपका? लवजीत सिंह। यहाँ पे कब आ गए थे? आज शाम को पहुँचे हम यहाँ पे। आज शाम को, तो रजिस्ट्रेशन तो आपका है नहीं ना अभी? कोई भगवान के भरोसे हम आए हैं। और मेडिकल भी हुआ नहीं अभी? मेडिकल और हमारा रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, तो हम सिर्फ भगवान भोलेनाथ के भरोसे, उनके भरोसे भी आए यहाँ पे। और एक्चुअली दोस्तों मैं आपको गाइड कर दूं कुछ है। कि अगर आप किन्नर कैलाश यात्रा के लिए आ रहे हो तो सबसे पहले मेडिकल जरूर वहां से करवा के लाना, और ऑनलाइन आपका है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं हुआ तो यहां आपके ऑफलाइन लाइनों में लगना पड़ेगा और फिर आपका प्रोसेस आगेगा। और रहने की व्यवस्था के बारे में? और रहने की व्यवस्था कुछ ऐसे है कि यहां पे ना आपको ना भंडारे लगे हुए हैं, ये जलंधर वालों का मिलेगा आपको, गुजरात वालों का मिलेगा आपको, चंडीगढ़ वालों का, इनका फ्री निशुल्क सेवा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, रहना और खाना दोनों। इसके अलावा अगर आप प्राइवेसी चाहते हो तो होम स्टे आपको बेस्ट ऑप्शन है, जहां आप रुक सकते हो 500 पर पर्सन के हिसाब से, बार्गेनिंग करके अंदर आपको ब्रेकफास्ट डिनर दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे। क्योंकि हम तो लेट में पहुंचे ना, तो ये पहले पहुंच चुके थे तो इनको ज्यादा जानकारी थी यहाँ के बारे में भी, तो इनसे जानकारी ले ली है, थोड़ा हेल्प मिल गई हमको भी कि कहाँ पे रहना है कहाँ पे नहीं रहना है। तो दोस्तों ये लगाया गया है टेंट सबके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ के लोकल द्वारा, यहाँ के जो गांव वाले हैं उनके द्वारा ये सुविधा दी जा रही है। बगल में लंगर लगा हुआ है, खाना वहाँ पे बनाया जा रहा है, और यहाँ पे है रहने की सुविधा। लेकिन जो पेंडिंग लोग है ना, जो दर्शन नहीं कर पाए हैं आज, वो भी इसमें है। अगर वो दर्शन कर चुके होते तो हमारे लिए आसान होता, जगह जल्दी मिल जाती, लेकिन अब जो है हमको भी यहाँ एडजस्ट होना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ पे। अब थोड़ा दिखाते हैं यहाँ का माहौल कैसा है।
आपका शुभ नाम क्या है साहब? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह, कहाँ से आप आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। गाजियाबाद से आपने दो क्लास? मैंने तीन कर लिए। तीन कर लिए, कौन कौन से? मैंने आदि क्लास कर लिए। अच्छा, मणि महेश कर लिए। अच्छा, और तुम्हारा श्रीखंड कैलाश महादेव। सबसे टफ बताते हैं ना यात्रा? अब देखो ये से टफ बता रहे हैं हमें तो। कौन, ये वाली किन्नौर की टफ बता रहे हैं? इसे बता रहे हैं टफ। अब श्रीखंड कैलाश जो है ना सबसे टफ यात्रा बोला जाता है, उससे भी टफ यात्रा है किन्नौर की यात्रा। कितने लोग आप आए हो ग्रुप? मैं अकेला आया। अकेले आए हो? जी जी। और जो तीन क्लास आपने किए वो भी अकेले किया? नहीं, उसमें हम ग्रुप रहे। यहाँ ये गांव कैसा लगा वो? ये बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आते सब चीज की सुविधा मिली, रहने की, खाने की, खाने पीने की सुविधा है, रहने की सुविधा। अच्छा अच्छा, आप यहीं के निवासी हो? अच्छा अच्छा, पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं यहाँ पे? लोगों के लिए बिस्तर है और जो है यहाँ पे खाने पीने की कैसी सुविधा चल रही है देख रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, बहुत धर्म वाला काम आप कर रहे हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कल से शुरू हो जाएगी ना ऐसे? ऊपर मौसम ठीक हो जाएगा, मौसम सही होगा तो भेज देंगे कल। अच्छा, आज तो नहीं भेजे? आज नहीं भेजे। अच्छा अच्छा, तो भीड़ ज्यादा हो रही है? मौसम खराब है, उसी लिए नहीं भेजे। हम तो किन्नर कैलाश कमेटी है, हम उसी लिए यहाँ रह रहे है यात्रियों को अच्छे से देखने के लिए। अच्छा, किन्नर कैलाश कमेटी के सदस्य है ये सब चीजें देख रहे हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ पे? यहीं पे आसपास में? यहीं आसपास में। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ संदेश देना चाहेंगे जो आने वाले हैं यहाँ पे, जो आएंगे कल परसों? ठीक है आंटी, बहुत धन्यवाद। तो अभी टाइम जो है 9:30 हो चुके हैं, हम आ चुके हैं भंडारे में। यहाँ पे खाना आ चुका हमारा, खाने में है चावल है, दाल वाल आ रही है, अभी पानी आ चुका है। मुकेश भाई यहाँ पे बैठे हैं और हम खा रहे हैं। तो खाते हैं खाना फिर, उसके बाद चलते हैं जहाँ पे सोने की जगह है। तो खाने में है दाल है, सब्जी है, चावल है और खीर है। ठीक, तो खाते हैं फिर। कल से अगर यात्रा शुरू होती है कल, तो कल की वीडियो फिर बताएंगे, कल मिलते हैं। तो अभी के लिए आज के ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड। आई होप ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तो और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे ही आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा।